चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। जी हाँ, ये हफ्ता बहुत ही बिजी था, अगला हफ्ता और भी ज्यादा बिजी होने वाला है, आउटडोर्स भी करने वाले हैं, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे टेक न्यूज अगली जो है वो स्टूडियो से नहीं, आउटसाइड बाहर से होगी। कहाँ से होगी गेस करना है आपको, लेट्स सी। वैसे इस टेक न्यूज का लाइक टारगेट रखते हैं 30,000, वी हैव बीन अचीविंग इट, थैंक यू सो मच, लेकिन अभी भी अचीव करेंगे, आई नो इट, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन यू गाइज। चलिए, एक चीज के बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि धीरे धीरे ये जो बजट है ये हमें हमारे जो स्मार्टफोन्स वगैरह वो ज़्यादा सस्ते करने वाला है। जी हाँ, बजट में कुछ ऐसी चीज़ें अनाउंस की, कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी दोस्तों, मोबाइल फोन्स, स्पेशली इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स है, उनके ऊपर ड्यूटी कम हो गई है। पहले 20% थी, अब 15% हो गई है, और ये जो है इसेंशियली बहुत सारे जो बाहर से बाहर बन के बाहर प्रोड्यूस होके जो इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर है। इसका मतलब जो मेड इन इंडिया नहीं है, बाहर के हैं, वो सस्ते होने वाले हैं फ़ोन। That's not bad. वैसे अभी भी दोस्तों एक ट्रेंड पिछले 2 साल से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और वो है कि एंड्रॉइड यूजर्स जो हैं वो iOS पे, मतलब आईफोन पे शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल रिकॉर्ड बना दिया है, कुछ 17% ऑफ आईफोन बायर्स जो थे सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 में, वो पहले एंड्रॉइड यूजर्स थे, मतलब पहले एंड्रॉइड का फोन इस्तेमाल करते थे और अब आईफोन पे आ गए। और क्यों ना हो, नो कॉस्ट EMIs है, प्राइजेस अब कम हो गए हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कैमरा अच्छे हैं। ये आप 30-40 हज़ार में एक साल एक जनरेशन पुराना आईफोन मिल रहा है, कौन नहीं लेगा? वैसे आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू टेल मी। और एक खबर है दोस्तों, ये जो खबर है ना ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। मैं गूगल मैप्स बहुत इस्तेमाल करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, ड्राइव करता हूँ, और हमेशा एक गलती करता हूँ गूगल मैप्स में, जब भी फ्लाईओवर आता है मैं या तो गलत रास्ता ले लेता हूँ, नीचे से चला जाता हूँ, या फिर अगर नीचे से जाना है तो मैं फ्लाईओवर के ऊपर से चला जाता हूँ, स्पेशली जब मुंबई जाता हूँ, क्योंकि इतने सारे फ्लाईओवर्स हैं और कम से कम आधा पौना घंटा मेरा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अब गूगल मैप्स में कुछ बहुत ही अच्छे अपडेट्स आ गए, उसमें से ये एक अपडेट है जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली गूगल मैप्स बताएगा कि भाई आप नीचे से मत जाओ, फ्लाईओवर के ऊपर से जाओ। वैसे ही नहीं, नैरो रोड्स वगैरह होंगे जहाँ पे गाड़ी लेके जा रहे हो, फोर व्हीलर लेके जा रहे हो और जा नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी गलियाँ होती है, तो वो भी बताएगा कि भाई नैरो रोड है, कार है आपके पास, दूसरे रोड से जाइए। सो गूगल मैप्स में भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे हैं, दीज आर स्पेसिफिक टू इंडिया, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए नए लॉन्चेस फोन्स के बारे में बात करते हैं। HMD क्रेस्ट एंड क्रेस्ट मैक्स इंडिया में लॉन्च हो गया है। जी हाँ, क्रेस्ट के बारे में बात करूं तो 14,500 का है, क्रेस्ट मैक्स के बारे में बात करूं 16,500 का है। वैसे इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफर्स के साथ कुछ 13,000 के नीचे आती है, लेकिन यूनिसॉक की 760 प्रोसेसर है इसके अंदर, 5G प्रोसेसर है बट यूनिसॉक। 6.67 इंच का FHD प्लस OLED डिस्प्ले है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 64+5+2 ये जो आता है ये मैक्स में आता है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी भी है, 33 वॉट चार्जिंग है, ग्लास बैक है, ठीक ठाक है, मतलब लुक्स गुड। पोको ने उनका एक डेडपूल एडिशन का पोको F6 लॉन्च कर दिया। ये स्पेशल एडिशन है, सिर्फ 12-256 वेरिएंट में ही आता है, एंड फ्लिपकार्ट पे ये August 7 पे जाने वाला है। शायद अभी डेडपूल का जो आया हुआ है, डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, ये जो मूवी रिलीज हुआ है थिएटर्स में, उसके लिए यू नो इट नीड्स टू कमेमोरेट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो पोको F6 डेडपूल एडिशन इज लॉन्च्ड, नहीं August 7th को आ रहा है। चलिए आने वाले फोन्स, ये तो मतलब अनाउंस हो गए, लॉन्च हो गए, अब आने वाले फोन्स के बारे में बात करते हैं। Edge 15 Neo, वैसे अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। August इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्साइटिंग, प्रीटी एक्साइटिंग, उसमें से एक एक्साइटिंग फोन है दोस्तों, मोटो Edge 50। यस, ये August 1st को लॉन्च होने वाला है, दुनिया का स्लिमेस्ट 8108 सर्टिफाइड हैंडसेट होने वाला है, और इसमें लीटिया 700C कैमरा सेंसर आने वाला है विथ IP68 रेटिंग। और याद रखिए 20-25-30-20-30 हज़ार के बीच में इसकी प्राइस रेंज होने वाली है, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। इन्फिनिक्स नोट 40X 5G ये August 5th को लॉन्च हो रहा है, FHD प्लस 6.78 इंच का डिस्प्ले है, 108 मेगापिक्सल का AI कैमरा है, 15 कुछ अलग अलग कैमरा मोड्स है, क्वाड LED रिंग फ्लैश है, डुअल स्पीकर्स है, DTS ऑडियो है, तो इंटरेस्टिंग फोन है, ये भी आ जाएगा। इसके भी अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, सभी फोन जो बता रहा हूँ सबके आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब अगर भूल गए होंगे तो। जी हाँ, चलिए वक्त होता है पिंच ऑफ सॉल्ट का, लीक्स एंड रूमर्स का वक्त होता है। Nothing Phone 2A प्लस इसकी चिपसेट जो है वो रिवील हो गई है, रैम डिटेल्स भी रिवील हो गए। ये Dimensity 7350 Pro इस प्रोसेसर पे होने वाला है, एंड 12GB रैम होने वाली है। तो या आई थिंक CMF फोन 1 में 7300 था, इसमें 7350 है,
अब देखते हैं, let it come. Snapdragon 8 Gen 4 chipset with Orion CPU. ये जो है ये Snapdragon Summit में लॉन्च होने वाला है. इस टाइम जो Snapdragon Summit हमेशा जो हवाई में होता है, ये अक्टूबर 21st को ही होने वाला है. Oh, that's interesting. Alright, पहला iPhone foldable या flippable जो है ये 2026 में आने वाला है. Yes, और ये कहा जा रहा है कि flip होने वाला है. It's not going to be book style foldable, लेकिन flip style होने वाला है. अब देखते हैं, ये जो स्क्रीन है ये Samsung डिस्प्ले इस्तेमाल करने वाला है. Yeah. इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी साइन हो गया है. देखते हैं 2026, दो साल और है. iQOO Z9X Pro के स्पेसिफिकेशंस आ गए. ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में लॉन्च होने वाला है दोस्तों. 120Hz कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है. 7 Gen 3 प्रोसेसर, 5500 mAh की बैटरी है, एंड 50 MP का सोनी सेंसर होने वाला है. कहा जा रहा है 25,000 के नीचे. सो अनदर वैल्यू फॉर मनी फोन कमिंग इन. ऑलराइट, अब वक्त होता है WTF न्यूज का. जी हाँ, गूगल सर्च को जबरदस्त कॉम्पिटिशन आने वाला है. और वो जी हाँ, ओपन AI की तरफ से ही आने वाला है. पता है क्यों? क्योंकि ओपन AI ने सर्च GPT लॉन्च कर दिया है. ये AI पावर्ड सर्च इंजन है. वाव, मतलब ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा. तो शायद, अभी हमने टेस्ट नहीं किया हुआ है, मैं टेस्ट करने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में. बट अगर गूगल सर्च को ये रिप्लेस कर देता है सर्च GPT, इट विल सडनली बिकम द बिगेस्ट कंपनी. जी हाँ, सर्च में ही तो सब कुछ है. एंड अब सर्च GPT आया हुआ है एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है. आप भी ट्राई कीजिए, सर्च GPT गूगल में लिखिए और आपको लिंक आ जाएगी. मतलब गूगल सर्च में आप सर्च GPT सर्च करोगे और फिर सर्च GPT इस्तेमाल करोगे. वाओ, What a shift. Alright, वक्त होता है आपके फेवरेट सेगमेंट का, रैपिड फायर का. पोको M6 प्लस, इसकी लॉन्च डेट आ गई, अगस्त 1st को ये लॉन्च होने वाला है. अगस्त 1st को 2 या 3 फोन्स लॉन्च हो रहे हैं. वैसे व्हाट्सएप में एक एयरड्रॉप जैसा एक नया फीचर आया है, जहां पे ऑफलाइन फाइल शेयरिंग आप कर पाओगे iOS यूजर्स के लिए. अभी एंड्रॉइड पे नहीं आया हुआ, जहां पे आप डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियोस वगैरह शेयर कर पाओगे. नॉट बैड. ऑलराइट, OnePlus Nord 4 आपने खरीदा है तो आपके लिए कुछ खबरी है. अपडेट आ गया है, जहां पे AI के फीचर्स आ गए. AI बेस्ट फेस एंड कैमरा इंप्रूवमेंट्स दोनों भी आ गए हैं. तो टेस्ट कीजिए, अपडेट कीजिए आपका Nord 4. ऑलराइट, एप्पल वॉच में फॉर योर किड्स नाम का एक फीचर आ गया है. बेसिकली पेरेंटल कंट्रोल्स वगैरह जो है वो आ गए एप्पल वॉच के अंदर. अगर आपके बच्चों को आपको एप्पल वॉच देना है तो. कैसी लगी दोस्तों आज की खबरें? आई होप यू हैव लाइक्ड इट. अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, रिमाइंड करना मेरा काम है दोस्तों. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.